दोस्तों ओन पेशिव के पेंडिंग फाउंडर का क्या मामला है, आइए आज हम विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा करेंगे। क्यों एस मुफर्रसर पेंडिंग फाउंडर पर क्रोधित होते जा रहे हैं? दोस्तों हम इसमें 4-5 पॉइंट कवर करने वाले हैं। दे आर ऑलमोस्ट डेड फ्रॉम 2019, मतलब 2019 से ही लगभग डेड हो गया है, बताइए, मतलब आईडी लगा करके भूल गया है। दूसरा पॉइंट है, हैव दे एंड ऑफ दिस वीक पीरियड, नॉट 2018, नॉट 2019, दे आर कम्प्लीटली डेड। 2018-2019 का जो भी पेंडिंग फाउंडर है, मतलब सब डेड हो गया है, भूल गया है, ख़त्म हो गया है, लगता है कि कभी आईडी लगाया ही नहीं था, तो ऐसे में जायज है उनका हटाना। तीसरा पॉइंट है, 2019 का जो भी है फ्लैश्ड आउट एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के अंत में जो है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। चौथा पॉइंट है, वन सिंगल पेंडिंग आफ्टर दिस वीक, अब ये जो सप्ताह हमारा पार होगा उसके बाद जो दूसरा सप्ताह आएगा उस पर विचार किया जाएगा कि अरे 2019 तक का तो हट ही जाएगा, अब जो दूसरा सप्ताह आएगा उसमें 2020 का भी हटाने की तैयारी हो रही है, वह भी हटाया जाएगा। होता क्या है कि हमारे साथ जो है 152 आईडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पेंडिंग फाउंडर्स में, 152 आईडी, जब हम फोन किए बोले तो क्या होता है ओन पैसिव, नहीं हम आईडी नहीं लगाए थे, हम कब हम आईडी लगाए थे, क्या होता है हमको विस्तार पूर्वक समझाइए, हम कुछ नहीं जानते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वैसे आईडी को रख करके क्या होगा, ये तो बहुत लेट कर दे रहे हैं एस मुफर्रसर। और पहले ही हमारे समझ से अगर दी बात कहें ना, तो पेंडिंग फाउंडर जो है अगर यदि लगाया है कोई आईडी लगाया है तो 2 महीना तक अगर दी ग्रीन नहीं करता है तो 3रा महीना में उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि ही इज नॉट इंटरेस्टेड विथ ऑन पैसिव, वह इंटरेस्टेड नहीं है उस। अब ऐसा होता है, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कंपनी के लॉन्च का इंतजार, वैसे कहा भी गया था कि भाई आप आईडी लगाइए कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारा सेमी लॉन्च होगा उसके पहले आईडी ग्रीन कर लीजिएगा, तो उसका जो हम लोग का है प्रोसेस उसमें तो हम लोग चल रहे हैं, आ रहा है प्रोसेस उसके बाद, लेकिन अब 2-3 साल पुराना जितना भी है उसमें क्या होता, कई लोग आईडी को भुला चुके हैं, बहुत लोग, 152 आईडी हमारे डाउन में लगा हुआ है, पेंडिंग आईडी है, और मैंने जब कॉल किया तो वो बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, क्या है हमारा आईडी, कब हम लगाए थे, आई डोंट नो एनीथिंग, आई डोंट नो ऑन पेसिव, इस प्रकार की बात बता रहे हैं। अब उनको हम कितना समझाएं, कितना बताएं, बोले ठीक है कोई बात नहीं, और अगर यदि मैंने प्लान पूरा समझाया, पूरा बताया, आप इतना तारीख को आईडी लगाए थे, इतना समय बीत चुका है, आपका 111वां नंबर है, आपका 140वां नंबर में यहाँ पर है, अगर यदि 140 आदमी आईडी ग्रीन करता है समझ लीजिए आपका 140 का टीम बन जाएगा, इस प्रकार से मैं कितना समझाया, ऑन पैसिव आपका जो है लगाए थे, ऑन पैसिव क्या है, तो ये उसको भी समझाया, 1 घंटा मेहनत किए उसके पीछे, उसके बाद बोलता नहीं नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इस तरह से हमारे ही भी मन में यही विचार आता है कि नहीं, पेंडिंग फाउंडर्स जो भी है उसको हटाना चाहिए, और नया जब रिवेम्प्ट हो रहा है वो founders.net इत्यादि आ रहा है, जब आने वाला है, और तो उसमें नया सब कुछ होगा ना, तो जब हमारा मकान पुराना हो चुका है तो उसमें खपड़ेल का जो है फिर हम छत बनाने से क्या फ़ायदा, अब जब नया जो हमारा तरीका है उसमें ईंट सीमेंट इत्यादि डाल करके क्यों ना हम चकचक वहाँ बना करके जो है उसको फिर से कर, मतलब नया सिलेबस ढंग से नए ज़माने के अनुसार अपना घर को क्यों ना तैयार करें, कोई ज़रूरी नहीं है पुराना हमारा, जब वहाँ पर खपड़े का मकान था हमारा पुराना, वहाँ पर करकट दिया हुआ था, तो अब तो कोई करकट देता नहीं है, अब उसको डिफरेंट तरीके का मकान चाहिए, क्योंकि ऐसा मार्केट में डिमांड है, हमारा डिमांड नहीं मार्केट का ऐसा डिमांड है, तो इसीलिए पेंडिंग फाउंडर हटाना जायज़ है, दिस इज बिल्कुल, मतलब दिस इज राइट डिसीजन ऑफ एस मुफर्रा। सो थैंक यू वेरी मच, अगर यदि आप थोड़ा इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी को भी दबा दीजिए,
और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं अक्सर शेयर करता हूँ, और संभव हो सके तो हमारा ट्विटर अकाउंट भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।